अगर आपको डर नहीं लगता है तो हेडफोन जरूर पहन लें, और अगर आपको डर लगता है तो ये वीडियो रात को ना देखें। ये हमेशा एक ही तरीके से शुरू होता था, आधी रात के बाद जब दुनिया शांत होती और परछाइयां थोड़ी लंबी लगने लगती। आयशा अपने बिस्तर पर लेटी होती नींद के करीब, तभी उसे सुनाई देता दरवाजे पर हल्की लगभग संकोच भरी दस्तक। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचा कि यह बस हवा होगी या शायद पड़ोस की कोई बिल्ली दरवाजे पर पंजे मार रही होगी। लेकिन हर रात वही दस्तक वापस आती, हर एक रात। जो दस्तक शुरू में एक हल्की सी खटखटाहट थी, वो अब तेज हो गई, जैसे कोई या कुछ बाहर खड़ा हो, इंतजार कर रहा हो, अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वह वहीं बिस्तर पर जमी रहती, इंतजार करती कि दस्तक रुकेगी, लेकिन वह कभी नहीं रुकती। और फिर एक रात जब उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांका, उसने उसे देखा, एक परछाई गेट के पास बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई, देख रही थी। हर रात वह परछाई और करीब आती, दस्तक और तेज होती जाती। कुछ उसके पास आ रहा था, लेकिन क्या और क्यों, इसका जवाब वह जल्द ही जानने वाली थी। उसके परिवार के अतीत में कहीं छिपा एक काला रहस्य जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन असली सवाल यह था, क्या वह इसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले रोक पाएगी, या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आयशा हमेशा से अपनी अकेली जिंदगी को पसंद करती थी। जब वह एक शांत गली के आखिरी छोर पर अपने छोटे से घर में रहने आई, तो उसे वहां की शांति बहुत पसंद आई। यह घर पुराना था, लकड़ी के फर्श थे जो चलते समय चरचराते थे, बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, और बगीचा भी ऐसा था जिसे शायद सालों से कोई देखभाल नहीं मिली थी। यह जगह उसके लिए सुकून भरी थी, एक ऐसी जगह जहां वह अपने पुराने व्यस्त शहर की उथल पुथल को पीछे छोड़कर आराम से सांस ले सकती थी। यहां वह महसूस करती थी कि आखिरकार उसे शांति मिल गई है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। ये सब एक रात से शुरू हुआ जब वह बत्ती बुझाकर सोने की तैयारी कर चुकी थी। पहले दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी, इतनी धीमी जैसे कोई ध्यान देने लायक ही न हो। आयशा ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद हवा या पड़ोस के कुछ बच्चे मजाक कर रहे होंगे। लेकिन अगली रात फिर वही दस्तक सुनाई दी, और उसके बाद की रात भी। हर बार यह दस्तक ठीक आधी रात को आती थी। शुरुआत में उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पुराने घरों में तो अजीब आवाजें आती रहती हैं, वह खुद से कहती और चादर को कसकर पकड़ लेती। उस अनजाने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करती जो उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रहा था। वह लंबे समय से अकेली रह रही थी, इसलिए इतना जल्दी डरने की आदत नहीं थी। लेकिन इस दस्तक में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से बेचैन कर देता था। बचपन में उसने एक बड़े शोरगुल वाले परिवार में समय बिताया था, जहां शांति एक अनमोल चीज होती थी। लेकिन अब यह शांति एक भारीपन की तरह महसूस होने लगी थी, जैसे दीवारें भी किसी डरावनी बात की गवाह बन रही हों। जब एक हफ्ता बीत गया और दस्तक रोज आधी रात को आने लगी, तो आयशा ने सोचा कि अब इस रहस्य का सामना किया जाए। एक रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए और दरवाजे पर वही धीमी दस्तक सुनाई दी, वह बिस्तर से चुपचाप उठी और धीरे से दरवाजे के पास वाली खिड़की तक पहुंची। उसने सोचा था कि वह कुछ नहीं देख पाएगी, बस अपने बरामदे की परछाई जो स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में डूबी होगी। लेकिन उसे वहां एक परछाई नजर आई। वह परछाई गेट के पास खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी शक्ल के, जैसे किसी बुत की तरह। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, उसने तुरंत खिड़की से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह जम गई थी। वह परछाई हिल नहीं रही थी, वह वहीं खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ पल के लिए आयशा पूरी तरह से जड़ हो गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और वह बिना आवाज किए बस खड़ी रही, जब तक कि परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब नहीं हो गई। अगले दिन सुबह आयशा ने खुद को समझाने की कोशिश की, उसे यकीन था कि यह कोई मजाक था, शायद कुछ पड़ोस के बच्चे उसकी अकेली रहने की आदत का फायदा उठाकर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके दिल की गहराई में वह जानती थी कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। अब घर की हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, भारी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर नजर रख रही हो। ऐसा लग रहा था
कि दीवारें भी कुछ छिपा रही हों, जैसे कोई भयानक घटना होने वाली हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। बत्तियां बार बार झपकने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और वह रात के सन्नाटे में धीमी धीमी आवाजें सुनने लगी। कभी कभी ये आवाजें इतनी हल्की होती कि वह उन्हें समझ नहीं पाती, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर उसका नाम फुसफुसा रहा हो। हर रात दस्तक तेज होती जा रही थी, और हर बार जब वह खिड़की से बाहर झांकती, वह परछाई और भी पास होती। जैसे हर रात वह थोड़ा थोड़ा करके उसके दरवाजे के और करीब आ रही हो। आयशा का डर हर रात बढ़ता जा रहा था। अब वह सो नहीं पाती थी। वह पूरी रात जागती रहती, सुबह होते होते थकान से चूर हो जाती। उसने दरवाजे की दो बार ताला लगाना शुरू कर दिया, हर खिड़की को ध्यान से बंद कर देती, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दस्तक फिर भी आती रही। वह परछाई अब बिल्कुल उसके दरवाजे के पास थी। एक महीने के बाद आयशा की हालत खराब हो चुकी थी। अजीब घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन वह सुबह उठी और पाया कि उसका कमरा खुला हुआ था, जबकि उसने रात को ध्यान से उसे बंद किया था। वह जानती थी कि उसे अब किसी से मदद लेनी होगी। वह अपनी पड़ोसन बूढ़ी मिसेस कमल के पास गई, जो लंबे समय से उस इलाके में रह रही थीं। मिसेस कमल को उनके पुराने रीति रिवाजों और आध्यात्मिकता के प्रति आस्था के लिए जाना जाता था। आयशा वैसे तो इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन डर ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि अब वह हर संभव उपाय को आजमाने के लिए तैयार थी। मिसेस कमल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। जब आयशा ने उन्हें आधी रात की दस्तक और गेट पर खड़ी परछाई के बारे में बताया, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। जब आयशा ने अपनी पूरी बात कह दी, तो मिसेज कमल कुछ देर तक चुप रहीं और फिर धीरे से बोलीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। आयशा का दिल बैठ गया। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, उन्होंने धीरे से कहा। शायद कोई आत्मा है, एक भूली हुई आत्मा जो दो दुनियाओं के बीच फंसी है। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, आयशा ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। आत्मा? लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो हाल ही में किसी को खोया भी नहीं है। मिसेस कमल की आवाज और गंभीर हो गई। यह हाल के समय की बात नहीं है, यह तुम्हारे परिवार से जुड़ी बात है। तुम्हारे खून की एक पुरानी कहानी है, एक ऐसा राज जिसे सालों से छुपाया गया है, और अब वह आत्मा तुम्हें ढूंढ रही है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं? मिसेस कमल उठी और अपने कमरे के कोने में रखे लकड़ी के एक पुराने संदूक के पास गईं। उन्होंने उसमें से एक छोटी सुंदर सी डिबिया निकाली। उसे उन्होंने आयशा को दिया और कहा, इस डिबिया में एक पुरानी ताबीज है, यह तुम्हारी दादी की थी। वह पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाली औरत थी, उसने आत्माओं को दूर रखा था। इसे पहन लो, इससे वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। आयशा ने उस ताबीज को ग्रहण कर लिया, हालांकि उसे इसके असर पर शक था। कैसे एक पुराना गहना उसे इस डरावनी चीज से बचा सकता था? लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि अब कुछ भी करने को तैयार थी। उस रात उसने ताबीज पहन लिया और आधी रात का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे घड़ी के कांटे 12 के करीब पहुंचते गए, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजे पर दस्तक हुई। यह दस्तक इस बार और भी तेज और भी डरावनी थी। उसने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका, और जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दीं। वह परछाई अब उसके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आयशा धीरे धीरे पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब साफ साफ आवाजें सुन सकती थी, तेज और भयानक। और फिर उसने अपना नाम सुना, आयशा। यह आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। उसने फिर से उसका नाम पुकारा, इस बार और भी स्पष्ट रूप से, आयशा दरवाजा खोलो। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दीवार से चिपक कर खड़ी रही, ताबीज को कसकर पकड़े हुए। वह एक कदम भी नहीं हिला पा रही थी। उसका डर उसे जकड़ चुका था। आवाजें लगातार उसे बुलाती रहीं, और फिर अचानक दस्तक बंद हो गई। उस रात आयशा ने पूरी रात जाग कर बिताई, अपने कमरे के कोने में बैठी हुई, ताबीज को पकड़े हुए। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं। वह सो नहीं पाई।
दस्तक बंद हो चुकी थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि परछाई अभी भी उसके घर के पास थी, जैसे वह सही मौके का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह वह फिर से मिसेस कमल के पास गई, थकी हुई और डरी हुई। ताबीज ने काम नहीं किया, उसने रोते हुए कहा, वह अभी भी वहां है। मिसेज कमल ने गंभीरता से कहा, अगर यह ताबीज काम नहीं कर पाया तो वह आत्मा बहुत ताकतवर है, अब एक ही तरीका बचा है। आयशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तरीका है? मैं कुछ भी करूंगी। तुम्हें उस राज को खोजना होगा जो उसे तुम्हारे परिवार से बांधे हुए हैं, बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। वह आत्मा, वह भूली हुई आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा है जो उसे बांध रहा है। तुम्हें यह पता करना होगा कि वह क्या है, इससे पहले कि वह तुम्हें अपना शिकार बना ले। और फिर आयशा ने अपने परिवार के अतीत को खंगालना शुरू किया। उसने पुराने पत्र, तस्वीरें और दस्तावेजों को खोजना शुरू किया। उसने उन रिश्तेदारों से बात की जिन्हें वह सालों से नहीं मिली थी, उनसे अपने परिवार के बारे में सवाल पूछे। और फिर एक दिन उसने अपने परदादी से एक सच सुना जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सालों पहले, जब आयशा पैदा भी नहीं हुई थी, उसके परदादा का पड़ोस में रहने वाली एक औरत से झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन एक भयानक हादसा हो गया। उस औरत की मौत हो गई। वह औरत एक गहरे आध्यात्मिक संसार से जुड़ी हुई थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भटकती रही। उसके परिवार ने इस हादसे को छुपा दिया और कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन वह आत्मा इस घटना को नहीं भूली थी और अब वह आयशा के पास आई थी। सच जानने के बाद आयशा फिर से मिसेस कमल के पास गई। उन्होंने उसे एक विशेष अनुष्ठान सिखाया जिससे उस आत्मा को शांति मिल सके। वह अनुष्ठान लंबा और कठिन था, लेकिन अंत में परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, दस्तक बंद हो गई। आयशा ने फिर कभी वह दस्तक नहीं सुनी। घर वापस से शांत हो गया, लेकिन आयशा बदल चुकी थी। उसने एक ऐसी चीज का सामना किया था जिसे वह कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो उसके परिवार के अतीत से जुड़ा था, उसे खोजने आया था, लेकिन अब वह सुरक्षित थी, वह बच गई थी।